पटना के कंकड़बाग में अभी हम हैं और यहाँ पर मैं हम देख पा रहे हैं कि आपका एक डेंटल क्लिनिक है और यहाँ पर मैं मरीज लोग भी बहुत ही यहाँ बैठे हुए हैं और इलाज भी करा करके जा रहे हैं, संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। इस क्लिनिक के बारे में सर परिचय, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार हुआ, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, इम्प्लांटोलॉजिस्ट और इंडोडोंटिस्ट हूँ और यहाँ पे दांत से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सारा इलाज किया जाता है, सारी सुविधाएं हैं। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी बुलाए जाते हैं कुछ कुछ ऐसे काम के लिए जो स्पेशलाइजेशन की उसमें ज़रूरत होती है, वो लोग यहाँ आते हैं और उसको पूरा करते हैं। नाम है मेरे क्लिनिक का अपेक्स डेंटल केयर। सर दांतों की जब भी बात आती है, मतलब पूरे शरीर में जो जितने भी अंग हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं, लेकिन दांत कहीं ना कहीं चेहरे की खूबसूरती माना जाता है। और आजकल जो है सो युवा लोग जो है और चाहे बुजुर्ग लोग को भी कहिए तो माउथ कैंसर और ये दांतों का सड़ना, उम्र से पहले कीड़े लग जाना, ये सारी चीज़ें ग्रसित हो रही है, तो इससे कैसे बचा जाए? एक आम नागरिक जो है सो किस तरह से अपने दांतों की रक्षा करे और कैसे नियम रखे जिसके दांत में कोई प्रॉब्लम होने से बच सके, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहले तो जो है कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जी। जब भी ब्रश करना, दोनों टाइम सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश करना एक अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दांतों का उम्र जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि कैंसर जो है कि बढ़ता है, तंबाकू रिलेटेड चीज़ें जो है कि हम लोग जो यूज करते हैं जैसे खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये हो जाने से जो है कि आपका जो है कि कैंसर होने का संभावना जो है 90% तक बढ़ जाएगा। इसको जितनी जल्दी छोड़ा जाए उतना जल्दी आप जो है रिकवर कर सकते हैं। अगर जो है कि आप इसको समय से छोड़ देते हैं तो आप जो है कि रिकवर कर जाएंगे, फिर से आपका मोरल हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। बीच बीच में आपको जो है कि डेंटिस्ट से मिलना ज़रूरी है ताकि जो है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई आपको इस तरह के कोई लीजन या कोई बीमारी अगर पैदा हो रही है तो उसको डेंटिस्ट आपको देख के आपको सही इलाज बता देगा या आपको उपाय बता दिया जाएगा जिससे कि आप उससे बच सकते हैं। एक्सीडेंट के समय में जो है सो माउथ में इंजरी हो जाने से, दांत में, जबड़ों में चोट लग जाने से जो है सो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उन सारे इंजरी को लेकर के आपके इस एपेक्स डेंटल क्लिनिक में क्या कुछ सुविधाएं? मोस्टली रोड एक्सीडेंट्स में जो है कि माउथ फ्रैक्चर, जिसमें मैंडिबल फ्रैक्चर या मैक्सिलरी फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो उसमें इलाज में जो है कि हम लोग इसमें प्लेटिंग करके या फिर जो है कि फिक्सेशन करके जो है कि उसको रीबिल्डअप करते हैं ताकि जो है कि फिर से जो है आपका जो है कि स्ट्रक्चर जो कोई तरह की दिक्कत ना आए, उसकी सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। हर तरह, मतलब लोगों को कहीं दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही छत के नीचे जो है सो दांत संबंधी जितनी भी सुविधाएं होती हैं, इम्प्लांट की सुविधाएं हो, चाहे वो रूट कैनाल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है सारा निदान यहाँ पर में संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और हम आशा करेंगे कि इस लोकेलिटी के जितने भी अगर कोई मरीज हैं, कुछ किन्हीं को दांतों में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लीजिए और जल्द से जल्द इनसे मिले। धन्यवाद सर।